देखो आज के डेट में टोयोटा कंपनी इंडिया में फॉर्च्यूनर को बेच रही है जो कि एक परफेक्ट एसयूवी कार है। इसके अलावा इनोवा क्रिस्टा आती है, हाई राइडर आती है, ग्लैंजा आती है और रिसेंटली लॉन्च हाई क्रॉस भी आ जाती है। तो आज के डेट में टोयोटा के पास काफी बेहतरीन लाइनअप है और हर महीने टोयोटा अच्छी खासी यूनिट बेचती है इंडिया में। लेकिन बहुत जल्दी टोयोटा की तरफ से न्यू कारों को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा, उनमें से एक कार है करोला क्रॉस। ये टोयोटा की अपकमिंग 5 सीटर क्रॉसओवर एसयूवी कार होने वाली है जिसको टोयोटा की तरफ से बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। हालांकि ये कार काफी ज्यादा बेहतरीन है और टोयोटा कंपनी ने इस कार को ग्लोबल मार्केट में सबसे पहले 2016 में लॉन्च किया था। तब से इस कार को ग्लोबल मार्केट में काफी बेहतरीन रिस्पांस मिल रहा है और मुझे पर्सनली इस कार का एक्स्ट्रा लुक काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इसी कार के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। आगे जाकर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना। यहाँ पर हम सबसे पहले डायमेंशन से स्टार्ट कर लेते हैं। टोयोटा करोला क्रॉस की लेंथ रखी गई है 4460 मिलीमीटर की। इस कार की वेट है 1890 मिलीमीटर की और इस कार की हाइट 1620 मिलीमीटर की रखी गई है। हालांकि इस कार की लेंथ, विड्थ और हाइट टोयोटा हाई राइडर के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा है, तो इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि टोयोटा कंपनी इस कार को हाई राइडर के ऊपर वाले सेगमेंट के अंदर उतार सकती है। यानी इस सेगमेंट के अंदर आज के डेट में हैरियर बिक रही है, इसके अलावा एमजी की हेक्टर भी आ जाती है। तो एमजी हेक्टर को टक्कर देने के लिए और टाटा के हैरियर को टक्कर देने के लिए टोयोटा कंपनी करोला क्रॉस को इंडियन मार्केट में बहुत जल्दी लॉन्च कर सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको टोयोटा की इस अपकमिंग कार के अंदर 2640 मिलीमीटर का व्हीलबेस मिल जाएगा जिसके तहत आपको इंटीरियर में अच्छा खासा स्पेस मिलेगा। अगर मैं इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो टोयोटा कंपनी ग्लोबल मार्केट में इस कार के अंदर अलग अलग इंजन ऑप्शंस दे देती है, लेकिन इंडिया में इस कार के अंदर आपको माइल्ड हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम का ऑप्शन दिया जाएगा। हालांकि बहुत सारी रिपोर्ट में यह मेंशन किया गया है कि इस कार के अंदर 2.0 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा विद माइल्ड हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन, लेकिन हाई राइडर के अंदर 1.5 लीटर 3 सिलेंडर और 1.5 लीटर 4 सिलेंडर हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम दिया जाता है। तो यहाँ पर कुछ रिपोर्ट में यह मेंशन किया गया था कि इस कार के अंदर हाई राइडर का इंजन स्पेसिफिकेशन दिया जा सकता है और कुछ रिपोर्ट में यह भी मेंशन किया गया था कि इस कार के अंदर आपको थोड़ा सा पावरफुल इंजन मिल जाएगा जो कि रहेगा 2.0 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। और ग्लोबल मार्केट में यह इंजन 169 BHP की पावर आउटपुट प्रोड्यूस कर लेता है। यानी आपको टाटा हैरियर के डीजल इंजन जितनी पावर आउटपुट टोयोटा की करोला क्रॉस के अंदर मिल जाएगी। तो डेफिनेटली ये कार आने वाले समय में और भी ज्यादा तबाही सी मचा सकती है। खैर ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अगर मैं इस कार के सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ तो ग्लोबल मार्केट में इस कार के अंदर अच्छे खासे सेफ्टी फीचर्स दिए जाते हैं और इस कार का ऑलरेडी क्रैश टेस्ट भी हो चुका है जिसके तहत इस कार को क्रैश टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग्स भी मिले हैं। तो सेफ्टी के हिसाब से इस कार के अंदर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टोयोटा कंपनी ने इस कार के अंदर अच्छे खासे सेफ्टी फीचर्स ऑफर करे हैं, जैसे कि आपको 6 एयरबैग्स ऑप्शन मिलेगा, 360 डिग्री कैमरा का ऑप्शन इस कार के अंदर ऑफर किया जाता है, टोयोटा सेफ्टी सेंस ये फीचर आपको मिलेगा जिसके तहत बहुत सारे फीचर्स ऑफर करे जाते हैं और आपको इस कार के अंदर एडास टेक्नोलॉजी का ऑप्शन भी मिल जाएगा। अगर मैं एक्सटीरियर लुक की बात करूं तो भाई इसका फ्रंट का फीचर दिखने में काफी ज्यादा बेहतरीन है और रियर से ये कार दिखने में काफी ज्यादा लाजवाब लगती है। इसके फ्रंट के ग्रिल्स का डिजाइन भी काफी ज्यादा यूनिक रखा है और इस कार के अंदर आपको स्लीक LED DRL का ऑप्शन मिल जाएगा जिसके नीचे आपको LED हेडलैम्प का सेटअप भी मिलने वाला है। LED फॉग लाइट का ऑप्शन भी इस कार के अंदर ऑफर किया जाता है और फ्रंट के बम्पर्स और रियर के बम्पर्स आपको थोड़े से स्पोर्टी डिजाइन के साथ मिल जाएंगे। इसका साइड का प्रोफाइल आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये कार साइड से भी दिखने में काफी ज्यादा बढ़िया लगती है। ग्लोबल मार्केट में इस कार के अंदर 17 और 18 इंचेस के अलॉय व्हील दिए जाते हैं जिसके अंदर आपको डायमंड कट अलॉय व्हील का ऑप्शन मिलेगा और इंडिया में लॉन्च होने के बाद टोयोटा कंपनी शायद सेम साइज के अलॉय व्हील दे सकती है। अगर मैं रियर फेशिया की बात करूं तो इसके LED टेल लाइट के डिजाइन काफी ज्यादा यूनिक रखा है। तो इस कार का लुक आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अगर इंटीरियर फीचर्स की बात करूं तो इसका इंटीरियर भी काफी बेहतरीन रखा है टोयोटा कंपनी ने। आपको बड़ा सा टच स्क्रीन इनपुटमेंट सिस्टम मिल जाएगा, कार कनेक्टेड टेक्नोलॉजी का फीचर इस कार के अंदर ऑफर किया जाता है, काफी कंफर्टेबल सीट्स आपको मिलेंगे, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन इस कार के अंदर ऑफर कर दी है टोयोटा कंपनी, आपको बड़ा सा सनरूफ का ऑप्शन मिलेगा। हालांकि इंडिया में इलेक्ट्रिक सनरूफ का ऑप्शन दिया जा सकता है,
या फिर टॉप मॉडल के अंदर पैनोरामिक सनरूफ का ऑप्शन भी टोयोटा कंपनी ऑफर कर सकती है। इसके अलावा आपको एम्बिएंट लाइटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, 360 डिग्री कैमरा, हेड्स अप डिस्प्ले और भी ढेर सारे फीचर्स आपको टोयोटा की इस कार के इंटीरियर में देखने को मिल जाएंगे। इसका इंटीरियर भी काफी बेहतरीन है, इसका लुक भी काफी जबरदस्त है और सेफ्टी के तौर पर इस कार को 5 स्टार रेटिंग्स भी मिले हैं। अब यहाँ पर सवाल आता है कि इस कार को टोयोटा कंपनी कब इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है। कुछ रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया है कि इसको अगले 2-3 महीनों के अंदर इंडिया में रिवील किया जाएगा, उसके बाद इसको ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि टोयोटा कंपनी इसको अगले 2-3 महीनों के अंदर इंडिया में लॉन्च करेगी। इस कार के लॉन्चिंग में आपको थोड़ा सा डिले देखने को मिल सकता है। शायद इस दिवाली के आसपास टोयोटा इस कार को इंडिया में लॉन्च कर सकती है या फिर शायद अगले 1-2 महीनों के अंदर भी टोयोटा की तरफ से ये कार इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकती है। जैसे ही कोई खबर आती है मैं आपको जरूर अपडेट कर दूंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना है। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो इस कार को इम्पोर्ट किया जाएगा, ना कि इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाएगा और ये कार आएगी CBU यूनिट के थ्रू, तो डेफिनेटली इस कार की कीमत आपको थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल जाएगी। इस कार को अलग अलग कंट्रीज में टोयोटा बेचती है और USA के मार्केट में इस कार की कीमत $23,000 से स्टार्ट हो जाती है। सेम अमाउंट अगर मैं इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करूँ तो वो लगभग 19 लाख रुपीस के आसपास हो जाती है। तो मेरे हिसाब से ये कार इंडियन मार्केट में आते आते इस कार की कीमत 25 लाख रुपए तक चली जा सकती है, क्योंकि इसको इंडिया में इंपोर्ट किया जाएगा तो डेफिनेटली इस कार की कीमत आपको 20 या फिर 25 लाख रुपए के ऊपर ही देखने को मिल जाएगी। आपको क्या लगता है इस कार की कीमत कितनी होनी चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और आपको टोयोटा की ये कार कैसे लगी वो भी चीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।